एवरीवन, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल के एक न्यू वीडियो में। ये मैं अभी इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, अभी अराउंड 4:30 बज रहे हैं इवनिंग के। सो, आपको पता है कल क्रिसमस है, कल है 25th ऑफ दिसंबर। तो बचपन से ही मैं ये क्रिसमस वाले दिन को अपनी फैमिली के साथ छोटा मोटा सेलिब्रेशन करती हूँ। हम सब लोग मिलके केक कटिंग करते हैं, मैं एक ट्री भी डेकोरेट करती हूँ, और ये मैं बचपन से करती आ रही हूँ। सो, काफ़ी अच्छा मेमोरीज़ भी है क्रिसमस को लेकर, क्योंकि मुझे हर साल मम्मी पापा के तरफ से कोई ना कोई तोहफा ज़रूर रिसीव होता है, लाइक सांता क्लॉज वाले गिफ्ट। सो ये बचपन से होता आ रहा है और अभी तक यही चीज़ है। अच्छा भी लगता है गिफ्ट रिसीव करना, किसको अच्छा नहीं लगता, राइट। सो या, मैं बहुत एक्साइटेड रहती हूँ ये वाले दिन के लिए। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैं डेकोरेट करती हूँ, तो कुछ डेकोरेशन का सामान मुझे इस साल परचेज करना था और केक भी परचेज करना है। लेकिन क्योंकि मैं अभी जस्ट वापस आई हूँ वाराणसी ट्रिप से, तो उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था, आज ही का दिन का टाइम मिला है मुझे। वाराणसी से याद आया कि मैंने ऑलरेडी अपने चैनल में अपनी वाराणसी ब्लॉग की सारी वीडियोस अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डू चेक दैट आउट, आप लोगों को आई होप बहुत अच्छा लगेगा। सारी वीडियोस की जो लिंक है मैं ये वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ज़रूर ऐड कर दूँगी, तो आप डायरेक्टली वहाँ से क्लिक करके भी देख सकते हैं। जैसे कि मेरा परचेज करना रह गया था, तो आज अभी इवनिंग में मैं निकलूँगी, और निकल के सबसे पहले मैं जो है केक परचेज करूँगी कल के लिए। आप लोगों के साथ मैं शेयर भी करूँगी कि क्या क्या केक अभी इस साल मार्केट में है अवेलेबल। तो मैं केक परचेज करूँगी और कुछ डेकोरेशन की आइटम भी परचेज करूँगी। तो चलिए चलते हैं। सो गाइज, देखिए ये फर्स्ट शॉप मुझे मिला एक, जिसका डेकोरेशन कितना ज़्यादा सुंदर है। एंड ये है एक सेकेंड शॉप, इन्होंने भी बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है क्रिसमस के लिए, लाइक केक सेल करने के लिए जो क्रिसमस डेकोरेशन है मुझे इनका बहुत पसंद आया। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को भी एक बार दिखा देते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा ब्यूटिफुल। यहाँ पे बहुत सारे केक्स भी अवेलेबल थे, लाइक बिग्स फार्म या स्विजियम के बहुत सारे केक्स अवेलेबल थे, और भी दूसरे बेकरीज के भी केक थे यहाँ पे। ओके, आपने देख लिया सारे दुकानों को। अभी मैं फाइनली आई हूँ मियो अमोर में, जहाँ से मैं अपने घर के लिए भी केक परचेज करने वाली हूँ। तो चलिए इनका इनसाइड डेकोरेशन एक बार आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। बाहर से तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था। इन्होंने इनसाइड में भी बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, लाइक हर साल की तरह इनका क्रिसमस डेकोरेशन मुझे बहुत पर्सनली पसंद आता है। तो एक बार देखिए कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है ये ओवरऑल डेकोरेशन इनकी। यहाँ पे भी बहुत सारे वैरायटीज़ के केक अवेलेबल थे, जैसे फ्रूट केक, प्लेन केक, चॉकलेट केक, या तो फिर और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ केक्स। तो जो स्टार्टिंग प्राइस था वो 180 से लेकर के ऑलमोस्ट 750 तक में अवेलेबल था। तो यहीं से मैंने जो है केक परचेज किया है। या गाइस, सो मैं आ गई हूँ घर वापस। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने कितनी क्यूट चीज़ें परचेज़ की है डेकोरेशन के लिए। तो सबसे पहले तो मैंने ये सांता परचेज़ की है ना, ये बहुत ज़्यादा क्यूट। उसके अलावा मैंने ये स्नोबॉल सेट भी परचेज़ की है, और एक सिंगल स्नोमैन भी है, तो इसको मैं क्रिसमस ट्री में हैंग कर सकती हूँ। इसके अलावा मैंने एक सांता क्लॉज वाली ऐसी हैंगिंग भी परचेज़ की है। तो ये सारी चीज़ें मैं परचेज़ करके लेके आई हूँ अपनी ट्री को डेकोरेट करने के लिए। तो चलिए डेकोरेशन स्टार्ट करते हैं क्रिसमस ट्री की, और डेकोरेट हो जाने के बाद मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि कैसा दिख रहा है। चलिए करते हैं।
मॉर्निंग, मैरी क्रिसमस टू यू ऑल। सो फाइनली आज 25 दिसंबर की मॉर्निंग है और मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। कल एक्चुअली मैं सो गई थी, डेकोरेशन के बाद थोड़ा लेट हो गया था, सो इसलिए मैंने कल वाली जो व्लॉग है उसको आज सुबह एंड करने का सोचा। मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को एक बार क्या गिफ्ट मिला मुझे वो भी शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ, और एक बार आप लोगों को विश भी कर दूँगी। सो गाइज, जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने एक सॉक्स हैंग कर रखी थी ताकि मुझे कुछ गिफ्ट मिले, तो ये है वो सॉक्स, ये वाली। सो इसमें मुझे मिले हैं यू नो अपने पसंदीदा चीज़ खरीदने के लिए कुछ मनी मिले हैं, ये वाली जो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा फेवरेट है। मेरी क्रिसमस टू यू ऑल वंस अगेन। सो आई होप भी आप बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करो क्रिसमस के डे को भी। सो मैं अपनी जो ये वाली व्लॉग है यहीं पे क्लोज़ कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और उसके साथ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि नेक्स्ट जो भी वीडियो मैं लेके आऊँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप ही के पास पहुँचे। ओके, बाय, टेक केयर।